अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। तो गाइज़ आज सैटरडे की मंडी है और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है काफ़ी ज़्यादा आज बकरे आए हुए हैं और सैटरडे की मंडी जो है काफ़ी बेहतर होती है, माल भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो माल है सिरोही का ही माल ज़्यादा आया हुआ है, सोजत के जो है दो गाड़ी उतरी हुई है जिसमें कमी है और ज़्यादा करके कट्टू के ही माल है। तो गाइस काफ़ी अच्छे बच्चे देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक के बने रहे। और गाइस सबसे पहले जो कोई भाई भी मेरे चैनल पे नवे हैं या नवी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बाजू में बेल आइकन हो तो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए न्यू अपडेट का। तो गाइस ये जो अपन लॉट देख रहे हैं ये सब सिरोही का माल है, इसके अंदर जो है कुछ बकरे जो है अजमेर वगैरह के भी हैं, तो ये मिक्स में माल आते हैं। और ये लॉट के अंदर एक मुंडा आया हुआ है बड़ा मेल में जो कि तकरीबन 6 लाख पे होगा और काफ़ी बेहतर है लॉट। तो आज जो है बाज़ार का दिन है, तो आज के दिन मैं पूरी बाज़ार की ही अपडेट दूंगा आपको और बाकी के दिन जो रहते हैं जैसे कि ऑफ डे रहता है मंडी का, तो उस टाइम जो है मैं अपने बकरे पर्सनल बकरे की अपडेट देता हूँ, आप सभी को मालूम ही है। तो काफ़ी अच्छा लॉट है, इसमें फीमेल वगैरह भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा करके जो है ना गाइस इसमें फीमेल जो है बांझ में भी मिलेगी आपको, तो अगर आपने को लेना होगा तो ये सब देख के लेना गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो है बांझ फीमेल जो है ज़्यादा आती है देवनार के अंदर। तो लोडेड तो फीमेल भी आती है लेकिन बहुत कमज़ोर, जो कोई भाई भी जानकार होगा बकरों में तो उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और ये सब जो है कट्टू का माल है, ये इसमें फीमेल वगैरह कुछ जो है जादी है, इसमें कोटे वोटे के भी माल है, शॉर्ट साइज़ में जो कान वगैरह आते हैं बच्चों में तो वो भी माल है इसके अंदर। तो ये जो है अभी गाड़ी उतरी है तो इनको अक्कर वगैरह पे लेके आया गया है, आप सभी को तो अक्कर वगैरह मालूम है। इसमें मेंढे वगैरह भी है जो कि बहुत से भाई लोग पालते भी है, ये नस्ल के मेंढे काफ़ी बेहतर होते हैं, हाइट वगैरह भी मेंढों में काफ़ी अच्छी होती है। तो गाइस उसकी वीडियो इसके लिए मैं नहीं बनाता हूँ मेंढे वगैरह की, बहुत से भाई लोग ने मुझको बोले भी थे कि भाई आप मेंढे वगैरह की भी डिटेल वगैरह दिया करें, तो गाइस उस चीज़ के लिए जो है मेरे को नॉलेज नहीं है मेंढे वगैरह के लिए, इसके लिए जो है मैं अपडेट जो है दे भी नहीं पाता हूँ आपको। और मेंढे जो है ना गाइस बच्चे में जो है ना समझ में भी नहीं आएंगे आपको, आते हैं माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत में भी आते हैं बच्चे मेंढे वगैरह के, अगर उनकी वीडियो बनाऊंगा तो गाइस उनकी जैसी ये छान वगैरह जो है छोटी वगैरह बांधी रहती है, इसके लिए जो है उनका जो मतलब क्वालिटी जो है मालूम नहीं पड़ती है मेंढे की, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और मेंढे के जो व्यापारी होते हैं वो एक आधा जो है बहुत कम ही बेचते हैं और ज़्यादा करके जो है छान वगैरह में ज़्यादा बेचते हैं माल। तो ये एक सिंधी का बच्चा जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आया हुआ है, वाइट सिंग में है, गुलाबी फेस में है बच्चा और मार्बल सिंग मार्बल खुर में है और अभी अदंत है, बाकी की लेंथ वगैरह आप देख सकते हो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लेंथ है बच्चे की, हाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरती में भी काफ़ी अच्छी खूबसूरती में है ये बच्चा, पूरा वाइट है, सफ़ेद बच्चा है, दाग जो है ज़रा सा भी नहीं है बच्चे को, मेरे को जो है काफ़ी पसंद आया ये बच्चा। और उसी के साथ ही एक सोजत मुंडा भी है और ये भी जो है काफ़ी अच्छा है, अप्रोक्स ये कुछ तकरीबन आपको छः महीने का तकरीबन है ये बच्चा, तो काफ़ी अच्छी हाइट भी है ये बच्चे की, 6 से 7 महीने का बच्चा है ये सिंधी का बच्चा, जो है काफ़ी एग्रेसिव में भी है, काफ़ी अच्छा बच्चा है ये, लेंथ वगैरह जो है काफ़ी अच्छे है बच्चे की। इनका जो प्राइस वगैरह मैंने पूछा नहीं हूँ क्योंकि व्यापारी जो है वो आया नहीं है अभी तक के, बहुत से व्यापारी जो है आते नहीं है, थोड़े से लेट आते हैं व्यापारी लोग, तो इनकी जो प्राइस वगैरह जो है मैं पूछा नहीं हूँ, बाकी का काफ़ी बेहतर है। सिंधी में जो है बहुत कम ही ऐसे बच्चे आते हैं मतलब पालने वगैरह के लिए, बहुत से भाई लोग का शौक भी रहता है सिंधी के बच्चे पालने का, काफ़ी अच्छे लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, बाल वगैरह जो है पूरा जो बच्चा जो है सफ़ेद में है। और कट्टू के माल में जैसे एक बरबरा भी आया हुआ है जो कि पूरे दांत पे है और ये थोड़ा सा बीमार है, ये इसके लिए जो है अलग माना गया है, बाकी का जो है काफ़ी अच्छा है, हथियार वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, सर्दी में है बच्चा थोड़ा, बाकी की लेंथ वगैरह जो काफ़ी अच्छी है। और ये लॉट के अंदर जो गाइस इसमें कुछ बकरे जो है मेरे ख्याल से मंगाए हुए हैं, इसमें कुछ बकरे बीटल में हैं और 2 से 3 जो है ना फीमेल वगैरह भी है बरबरी की,
जो कि काफ़ी अच्छी है, और एक दुम्बे का मेल भी है बड़ा। ये आप देख सकते हो, ये एक दुम्बे का मेल भी है बड़े में। तो ये मेरे ख्याल से जो है किसी ने बाहर से ही मंगाया है। बाकी का जो है काफ़ी अच्छा है। इसमें दो बच्चे जो है माशाल्लाह से इतनी अच्छी क्वालिटी में है, बच्चे पंजाबी में हैं, तो काफ़ी अच्छा है बच्चे का लॉट। जो कोई भाई ने भी पालने के लिए मंगाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बच्चा मंगाया है। ये एक बरबरा है, ये मेरे ख्याल से जो है अदंती होगा, नहीं अदंत तो अदंती होगा। बाकी की जो हथियार है इसकी बच्चे की, काफ़ी अच्छी हाइट में है हथियार, लेंथ में है, और कान की जो आप क्वालिटी देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। और ये पंजाबी का बच्चा आप देख सकते हो, तो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बच्चा है, गुलाबी में है, और तकरीबन ये कुछ 4 महीने का तक का होगा, वाइट आइज़ में है बच्चे जो काफ़ी अच्छे हैं ये। और ये एक बरबरी भी है, ये भी इसकी भी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, ये 2 दांत की होगी ये भी। तो ये सबको जो बांधा गया है अभी, तो इनको अलग से ही बांधा गया क्योंकि ये बच्चे जो है बिके हुए हैं। तो जो कोई भाई का भी होगा तो वो आएंगे और लेके जाएंगे इन लोग से, गवालों लोग से। अभी जो बकरे हैं ये गवालों के ताबे में हैं। और गाइस आप लोग भी जो बकरा मंगाएंगे तो आपको जो है देवनार के अंदर जो है गवालों का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनका जो जगह है वो पूछ सकते हो। और गवाली जो रहती है उनकी, ये तकरीबन कुछ 100 या 200 रुपये कुछ रहता है, तो उनको देना पड़ता है। फिर वो दो पैसे दे के फिर वो आपके ताबे में दे देंगे बकरा। और आप जो कोई भाई बकरा परचेस करेंगे बाहर से, तो उनसे जो है फ़ोटो वगैरह भी मांग लेना। और इसमें ये हमारे भाई ने भी देवनार से काफ़ी अच्छा परचेस किए हैं, वाइट आइज़ में बच्चा है, लेंथ वगैरह बच्चे की काफ़ी अच्छी है। और ये लॉट के अंदर एक मालवा बच्चा जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे रुआब में है। अब बॉडी की लेंथ जो है उसकी काफ़ी अच्छी है, बैठक वगैरह भी उसकी भी मैं बताऊंगा आपको अलग से। और ये एक बच्चा भी काफ़ी अच्छा है मुंडे में, और व्यापारी जो है उसका कुछ 18,000 रुपये कुछ कोट कर रहा था, जो कि कम हो जाता है। ये दूसरा भी है, उसके 7 का बच्चा है ये। बाकी का ये लॉट के अंदर जो है ये एक सोजत का बच्चा और ये एक मालवे का बच्चा जो है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ऐसे मालवे के बच्चे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हो कितना भारी बच्चा है वो, और काफ़ी गर्म होते हैं मालवे के बच्चे। और ये एक दूसरा बच्चा है, उसके 7 का ही जोड़ीदार है, इसकी भी लेंथ वगैरह जो है काफ़ी अच्छी है, हाइट वगैरह। लेकिन ये बच्चा का झालर पट्टी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, और इसका कुछ इसका भी कुछ 17,000 रुपये व्यापारी कुछ कोट कर रहा था, जो कि कम हो जाता था। बॉडी आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, और एकदम रुआबदार बच्चा है मालवे में। और ऐसे ही बच्चे आना चाहिए मालवे में, और काफ़ी बेहतर बनते हैं। खड़ो सी मतलब बैठी हुई सीन में बच्चा है, और कान जो है दोनों लाल चमड़ी में है, और लंबे चेहरे का बच्चा है, क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। बाज़ार जो है खुलने का भी टाइम हो चुका है, टाइमिंग वगैरह जो है अक्कर की जो बकरे रखते हैं वो भी टाइम हो चुका है। 2 बजे तक के जो है बकरे जो है अक्कर वगैरह पे रखते हैं, बाकी के दिन जो है फिर बकरे को बाहर निकाल दिया जाता है, अक्कर पे से खाली कर दिया जाता है। हर वीडियो के अंदर तो मैं आपको बताता ही हूँ, और दुकानदार लोग भी आप देख सकते हो, क्योंकि सब जो है अभी अभी जा चुके हैं, तो अभी दोनार खाली होने लगा है, अक्कर वगैरह भी जो है खाली हो चुकी है। अभी सब बकरे जो है वो बाड़ों वगैरह के अंदर ही रखे, कुछ बकरे जो है अभी भी उनकी छान वगैरह बांध की रखी हुई है। तो अभी डॉक्टर वगैरह लोग आएंगे तो उन लोग कैसे है छान जो बांधी रहती है वो छान जो है खोल देते हैं। सुबह के टाइम की जो बाज़ार होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, जो कि तकरीबन कुछ जो बकरों का खेल होता है, मतलब जो बच्चे आपको ज़्यादा करके टाइमिंग में देखने के लिए मिलेंगे, वो कुछ 9 बजे से लेके 11 बजे, मतलब 8 बजे से लेके आपको 11 बजे तक के अच्छे अच्छे बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। 11 बजे तक हाँ काफ़ी बेहतर बच्चे होते हैं, कभी कभार 12 बजे तक के भी, मतलब लंबी बाज़ार भी हो जाती है जब भी टाइट बाज़ार होती है। ये हमारे भाई ने किसी ने रखा हुआ है परचेस करके देवनार के अंदर, और ये मेरे ख्याल से मैंने कल की अपडेट में ये बच्चा दिखाया हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी अच्छा था, तो उनने परचेस करके जो है बाड़ों के अंदर छोड़ दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी में बच्चा लिए है उनने, ये हमारे भाई ने किसी ने बाहर से भी मंगाया हुआ है। इसमें हाईब्रिड के जो बच्चे होते हैं, हाईब्रिड के जो कि हैदराबादी और पतीरा से क्रॉस होते हैं,
तो इसमें जो बड़ा मेल है वो काफ़ी अच्छा लिए है उनने, और ये हमारे फार्म वाले लोग ने काफ़ी अच्छा बच्चों का लॉट परचेस किए है जो कि कुछ 7,500 रुपये से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बच्चे भी बिके हुए हैं क्योंकि अपने चैनल के थ्रू आए थे भाई दोनों लेने के लिए। तो गाइस जो कोई भाई को भी बच्चों में इंटरेस्ट होगा तो स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके देवनार के अंदर आ सकते हो, तो मैं अरेंजमेंट वगैरह करवा सकता हूँ नियाज वगैरह के लिए या अकीके वगैरह के लिए आपको चाहिए रहेगा तो। ये हमारे फार्मिंग के लिए किसी भाई ने भी काफ़ी अच्छा लॉट मंगाए हैं बाहर से, इसमें जो है ज़्यादा करके जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बच्चे हैं, गुलाबी फेस में है और गुलाबी मतलब नाक में भी, वाइट आइज़ में भी कुछ बच्चे हैं। बाकी का जो इसके भाई ने भी परचेस किए हैं वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर लॉट परचेस किए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और ये बाड़ों के अंदर ही रखे हैं, बाहर वगैरह के निकाल के नहीं रखे हैं, तो ये जस्ट मेरे बाड़े के बाजू में ही भाई ने रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छा परचेस किए हैं इनने फार्मिंग के लिए और ये बाहर से ही सौदा होके आया हुआ है बच्चे जो है। लेंथ वगैरह सब बच्चों की काफ़ी अच्छी है, हाइट वगैरह भी जो है काफ़ी बेहतर है बच्चे की। और यही लॉट के अंदर एक ये हंसा का बच्चा भी रखा हुआ है जो कि पूरे गुलाबी में बच्चा है, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरती में भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे है बच्चे की। तो गाइस जो कोई भाई को भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलना, और बाजू में बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगा न्यू अपडेट का।